Julie, hello student. My name is Jigmeet Singh and I'm a lecturer in economics. In your previous classes, you have studied about production function and cost curves. Now today, we will study about market and different its forms. First, market kya hota hai? Forms of market padhne se pehle hum padhenge ki market kya hota hai. In ordinary language, hum देखते हैं कि मार्केट सब्जी मंडी वो भी मार्केट होता है, एक मॉल में जाओ वो भी मार्केट होता है, एक शॉप में जाओ वो भी मार्केट होता है. लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं या बिजनेस में पढ़ते हैं तो मार्केट होता है कुछ उससे ज़्यादा. जो शॉप्स है, मॉल्स है या फिर सब्जी मंडी है, वो भी एक मार्केट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है मार्केट के डेफिनेशन में. तो इकोनॉमिक्स में मार्केट क्या होता है? Market refers to a structure where buyers and sellers are in contact with each other to affect the demand and supply of a commodity. इसमें मेन चीज क्या है एक डिफेंस की मार्केट एक स्ट्रक्चर है, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है. इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पर रिस्ट्रिक्ट ना होके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं. अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही रिस्ट्रिक्ट रह जाएंगे तो हम जो आजकल चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग, वो उन सबको कहाँ गिनेंगे? वो सब मार्केट में नहीं आता है क्या? लेकिन आता है, सब कुछ आता है. ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मार्केट है सब आता है. मार्केट में क्या होना चाहिए? पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं. वो ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे के फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट में आए, वो उनका कॉन्टैक्ट आना जरूरी है. वो बाय वे ऑफ टेलीफोन हो सकता है, बाय वे ऑफ इंटरनेट हो सकता है, किसी भी मीडियम से जब बायर और सेलर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है और हमारे कमोडिटी का डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करता है या उसको खरीदने या सेल करने में चेंज लाता है, तब वो होता है, उसको कहते हैं मार्केट. अब मार्केट के डिफिनेशन को समझने के बाद अब हम चलेंगे मार्केट के अलग अलग फॉर्म्स क्या है. बेसिकली मार्केट के फॉर्म्स 4-5-6 होते हैं, लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जाके जो मेन है उन्हीं को स्टडी करेंगे. इनमें हम 4 फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ेंगे. इसमें पहला है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा है ओलिगोपोली. इनमें आप सिलेबस के अकॉर्डिंग इन मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, इनके सिर्फ हम मीनिंग्स और फीचर्स ही पढ़ेंगे, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के मीनिंग फीचर्स के अलावा हम इसके प्राइस डिटरमिनेशन कैसे करते हैं, इसके आउटपुट कैसे डिटरमिन करते हैं, उसको उन सबको भी हम परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ेंगे. अब हम स्टडी करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसमें प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होता है, इसमें आउटपुट कैसे डिटरमिन करता है एक फर्म, इसमें कैसे अपना आउटपुट डिटरमिन करता है, कितना खरीदना है, कितना नई प्रोडक्शन करना है, आउटपुट कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सब कैसे डिटरमिन करता है, ये सब हम स्टडी करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर. तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन perfect competition hai, it is a form of market where there are large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product with no control or price of the product by a individual firm. ab isme kya hai? sabse pehle hai ki it is a form of market, ek market ka ek form hai jisme kya hai, there are large number of buyers and sellers. isme zarur cheez kya hai ki बायर्स और सेलर्स का नंबर कितना होता है? बहुत सारा, इन्फिनाइट नंबर में, ठीक है, क्योंकि इस इन इन्फिनाइट नंबर में होने के कारण ही ये परफेक्ट कंपटीशन होता है. अगर बायर्स और सेलर्स कम हो, लिमिटेड हो, 4-5 ही हो सेलर्स हो, तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं बनता, उसमें बाद में जाके ओलिगोपोली या फिर एक एक करके अगर सेलर्स खत्म होते जाए तो मोनोपोली भी बन सकता है यही मार्केट. इसलिए सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि इस टाइप ऑफ कंपटीशन में
सेलर्स और बायर्स का संख्या जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें है होमोजेनस प्रोडक्ट। अब होमोजेनस क्या होता है, होमोजेनस प्रोडक्ट, अब परफेक्ट कंपटीशन वाले फर्म्स क्या बनाते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट्स, मतलब कि प्रोडक्ट जो है इनका प्रोडक्ट होमोजेनस होता है, मतलब कि सेम होता है, इनके कलर साइज जो भी है सेम होता है। जैसे कि एक मान लेते हैं कि एक चौक है, हर दूसरा चौक सेम है, जो भी फैक्ट्री बनाएगा, फर्म ए बनाएगा या बी बनाएगा चौक, तो वही उसी साइज का, उसी लगभग उसी कलर का बनाएगा। ऐसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो बनाते हैं वही परफेक्ट कंपटीशन में हम इंक्लूड करते हैं। तो होमोजेनस मतलब होता है कि सेम। तो इस टाइप ऑफ मार्केट में क्या होता है, फर्म्स बनाते हैं सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ना ही ब्रांडिंग होता है। हम देख सकते हैं जैसे कि सोप का ले लें, तो सोप लगभग हर कोई सेम है, लेकिन उसको क्या किया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, ब्रांड का नेम लगा दिया जाता है, लक्स करके, लाइक बॉय करके, डिटॉल करके, वो सब क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण वो सब परफेक्ट कंपटीशन में नहीं आता है। इसलिए इसमें होता है सिर्फ होमोजेनस प्रोडक्ट जो सेम हो। और तीसरा चीज क्या है कि नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय ए इंडिविजुअल फर्म। किसी भी फर्म का, आप पहले भी कहा कि मैंने कि इसमें लास्ट नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल फर्म्स का इसके प्राइस में कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जो भी मार्केट में डिफाइन होता है प्राइस, उसी को लेना होता है, सबको उसी पे ही सेल करना होता है। जैसे कि मार्केट में चल रहा होगा कि प्रोडक्ट का प्राइस ₹10 चल रहा होगा, तो एक फर्म आके उसको ₹11 में बेचना चाहे, तो इस टाइप ऑफ मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो है बाकी सब ₹10 पे स्टिक रहेंगे, तो फर्म्स में जो बायर्स है वो इस पर्टिकुलर सेलर से शिफ्ट होके जो जहाँ पे उसको ₹10 पे मिल रहा है उसी पे जाएगा, और ये जो फर्म्स जिसने प्राइस बढ़ाया है वो खुद ब खुद इस कंपटीशन से बाहर होके नहीं रहेगा। तो प्राइस इसमें फिक्स रहता है, जो भी मार्केट में डिटरमाइन हो वही चलता है। तो अब नेक्स्ट हम चलेंगे इसके फीचर्स पे, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स में। हालांकि हमने ज़्यादातर फीचर्स इसके डेफिनेशन में ही कर लिए। जैसे कि देखते हैं पहला फीचर्स क्या है, होमोजेनस प्रोडक्ट। इसको मैंने पहले ही बता दिया कि होमोजेनस प्रोडक्ट मतलब होता है कि एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सिमिलर टाइप, जिसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कस्टमर के लिए, एक ही ए से खरीदो या बी से खरीदो, जहां भी से खरीदो सेम होगा, इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को कहते हैं होमोजेनस प्रोडक्ट। अब दूसरा है लास्ट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि बायर्स और सेलर्स की संख्या जो है ज़्यादा होनी चाहिए, कम होगा तो इसको मार्केट ही चेंज होके ओलिगोपोली या मोनोपोली होता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे, उस टाइप में सेलर्स की संख्या कम होती है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, जैसे ईच बायर एंड सेलर्स इन द मार्केट इज प्राइस टेकर। अब हमने इसमें भी पढ़ा कि सब क्या है, बायर्स होगा या सेलर्स होगा, जो भी है यहाँ पे प्राइस टेकर होगा, कोई भी प्राइस डिटरमाइन नहीं करता है। प्राइस कौन डिटरमाइन करता है फिर, मार्केट। मार्केट का क्या है, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम से जो मार्केट में प्राइस डिटरमाइन होता है, वही चीज इसको, इस टाइप ऑफ मार्केट को डिफाइन करता है और रूल करता है। यहाँ पे ना ही सेलर्स प्राइस को डिफाइन करता है, ना ही बायर्स, कोई भी इसको चेंज नहीं करता है, सिर्फ मार्केट में ही चलेगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, क्या इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन किस रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट के, हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, प्रोडक्ट इसका क्वालिटी क्या है। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि बायर्स को
इंफॉर्मेशन है मार्केट का पूरी तरह से। अगर बायर्स को परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल दिया था कि 10 रुपीज़ से 11 किसी ने कर दिया, अगर बायर्स को पता नहीं होगा कि कहीं पे 10 रुपीज़ का मिल रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो एग्जिस्ट करेगा, 11 रुपीज़ भी एग्जिस्ट करेगा, 10 रुपीज़ भी एग्जिस्ट करेगा। हम देख सकते हैं हमारे मार्केट में क्या है, कहीं पे कोई चीज़ सेम प्रोडक्ट ए होगा, वो कोई 10 रुपये का बेच रहा होगा, कोई 12 का, कोई 11 का, ऐसा होता है। क्यों होता है? एक तो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के कारण होता है, और दूसरा चीज़ होता है कि इंफॉर्मेशन ना होने के बाहर की बात, बाहर के पास पता नहीं होता है कि कहीं पे 10 रुपये मिल रहा है, तो इसलिए वो 12 वाला सोच के खरीद लेता है कि रेट यही चल रहा है। तो इसलिए परफेक्ट इंफॉर्मेशन मार्केट का होना भी ज़रूरी है सबसे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका फीचर्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। अब एंट्री और एग्जिट क्या होता है, कई जगहों पे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन होता है मार्केट में, जैसे कि लाइसेंसिंग होता है, जैसे कोल माइनिंग होता है, तो वहाँ पे क्या करता है, हर कोई जाके कोल माइनिंग नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, तब जाके उस मार्केट में घुस सकते हैं। लेकिन इस टाइप ऑफ मार्केट में क्या होता है कि कोई भी घुस के प्रोडक्शन कर सकता है, सेल कर सकता है, या कभी भी अपना बिजनेस क्लोज करके बाहर जा सकता है, तो तभी जाके ये मार्केट एग्जिस्ट करता है। इसमें क्यों ये इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर जो एग्जिस्टिंग जो फर्म्स है वो ज़्यादा ही प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने लगे तो क्या होगा, इस फीचर के कारण, फ्री एंट्री और एग्जिट के फीचर के कारण जो बाहर दूसरे फर्म्स होंगे जिनको दिखेगा कि यहाँ पे ज़्यादा ही प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो बाहर के फर्म्स होंगे वो एंट्री करेंगे, और जब ज़्यादा फर्म्स फिर एंट्री करेंगे तो प्राइस को फिर से कंट्रोल करके लेवल पे, मार्केट लेवल पे लाएंगे, तो इसलिए ये फीचर इम्पोर्टेंट है। इसी सेम वे में एग्जिट, जब इसमें जो फर्म्स है उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कुछ फर्म्स इसमें से एग्जिट कर लेंगे, तो फिर मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और पर्टिकुलर प्राइस पे फिक्स होके ये मार्केट फिर परफेक्ट कंपटीशन पे रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आज देखा जाए तो हमारे मार्केट में तो परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअली एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। इन थियोरेटिकली हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में परफेक्ट कंपटीशन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट होमोजेनियस नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हम सबको पता है कि इंफॉर्मेशन हर बायर को नहीं मिलता है, और एंट्री और एग्जिट हमारे इंडस्ट्रीज में क्या है, रिजिड है, कोई भी किसी बिजनेस में घुस जाए तो उसमें से निकलना मुश्किल भी होता है। तो मेरे ख्याल से आपको सब फीचर समझ में आ गया होगा परफेक्ट कंपटीशन के। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कैसा होता है। स्टूडेंट्स, नाउ आपने पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। नाउ परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व क्या कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ऐसे टाइप ऑफ अलग अलग कर्व्स होते हैं। तो डिमांड कर्व मेनली हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, तब क्या होता है डिमांड कर्व कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी में, ऐसा डिमांड कर्व होता है। लेकिन इस टाइप ऑफ मार्केट जिसमें कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, इसमें डिमांड कर्व ऐसा ना हो के क्या होता है,
एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। ये डिमांड कर्व पैरेलल होता है हमारे एक्स एक्सिस। इस डायग्राम में मैंने दिखाया है आपको वाई एक्सिस पे क्या है प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है आउटपुट। अब इसमें हमने पहले फीचर बताया है कि इस टाइप ऑफ मार्केट में प्राइस क्या होता है, गिवन होता है, एवरीवन इज अ प्राइस टेकर, नो वन इज प्राइस मेकर। प्राइस जो है मार्केट में जो चल रहा है इसी प्राइस पे सबको बेचना पड़ेगा, और जितना भी बेच सकते हैं वो बेच सकता है। तो इस जो प्रिवेलिंग प्राइस है यहाँ पे ओ पी क्या है प्राइस है, या फिर बोल सकते हैं मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है। इस मार्केट प्राइस पे आप सारे फर्म्स जितने भी फर्म्स हो उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे मान लो प्रोडक्ट हमारा है, प्रोडक्ट का नाम बोलते हैं एक्स, कोई प्रोडक्ट होगा एक्स, इस प्रोडक्ट एक्स को सबको ओपी प्राइस पे बेचना होगा। जितना कितना बेचेगा अब वो बाद में देखेंगे, लेकिन ओपी पे बेचने के कारण इसको यहाँ हमारा डिमांड कर्व क्या बन जाता है, एक परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व बन जाता है, और इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व भी क्या होता है इसी के साथ, और मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के साथ कोइंसाइड करता है। इसमें कंडीशन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, सॉरी हमारे परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट में क्या होता है, एक कंडीशन होता है प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ए आर, यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, और यहाँ पे एम आर, ए आर डिनोट करता है एवरेज रेवेन्यू। और एम आर होता है मार्जिनल रेवेन्यू, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। तो इस फॉर्म ऑफ मार्केट में ये कंडीशन हमेशा होता है कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब दूसरे टाइप ऑफ मार्केट में जरूरी नहीं है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये कंडीशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस टाइप ऑफ मार्केट में ये कंडीशन होना जरूरी है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इनके, एक तो हम ग्राफिकली शो कर दिया कि डिमांड कर्व कैसा होता है, और प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एक ग्राफिकली दिखा दिया। अब हम इसी को मैथमेटिकली भी दिखा सकते हैं कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, अब वो दिखाते हैं हम। अब हम इसी चीज़ को जो ग्राफिकली हमने एक्सप्लेन किया था उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्या होता है रेवेन्यू के कंसेप्ट, अब होता है टोटल रेवेन्यू टी आर, मतलब टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू किसी फॉर्म का किस बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड। प्राइस और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड का मल्टीपल होता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना, जितना प्राइस हो इस प्रोडक्ट का और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जितना हमने खरीदा या सेल किया उसका हो, सेल किया जो है वो होता है टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस पी बाय क्यू, पी क्या है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू, तो क्यू और क्यू कट हो जाएंगे तो इज इक्वल टू पी, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इन केस ऑफ परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज शो कर लिया कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, अब दूसरा चीज शो करना है क्या, मार्जिनल रेवेन्यू भी इक्वल होता है प्राइस और एवरेज रेवेन्यू के, वो दिखा देंगे हम।
अब हम दिखाएंगे कि अभी पहले हमने दिखाया कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, अब हम दिखाएंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू भी एवरेज रेवेन्यू और प्राइस के बराबर होता है, इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्राइस। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स सभी ने कि मार्जिनल रेवेन्यू होता है जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं यूनिट नंबर ऑफ गुड्स से, तो हमारे रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ वो कैलकुलेशन होता है मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, हमारे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ है, ये सिंबल क्या है डेल्टा टी आर, मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल रेवेन्यू कब हुआ, कितना हुआ, चेंज इन क्वांटिटी, क्यों क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में जितना इंक्रीज हुआ उससे टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला ये है, तो हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस बाय क्वांटिटी, यही होता है ना, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीपल, तो तभी चेंज इन टोटल रेवेन्यू होता है चेंज इन प्राइस इन एंड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, अब इसको खोल देंगे तो क्या मिला हमें, डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू कट हो जाएगा तो हमें क्या बचेगा, इधर लिख लेता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। अब हमें पता है कि चेंज इन प्राइस क्या है, इस मार्केट में फीचर ये है कि मार्केट में प्राइस गिवन होता है चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू सेम एस पी, प्राइस प्राइस जो है गिवन है इसलिए चेंज कोई भी चेंज नहीं होता है, तभी डेल्टा पी इज इक्वल टू पी, तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे क्या होता है प्राइस के बराबर, इसलिए ये भी हमें शो कर रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो ये हमने दिखा दिया मैथमेटिकली कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है और एवरेज रेवेन्यू कैसे प्राइस के बराबर होता है, तभी जाके ये एक हमारा डिमांड कर्व क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के, और ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब हम परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है वो बनाएंगे। पहले हमने डिमांड कर्व बनाया जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एक्स एक्सिस के। अब टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, अब इसके लिए हम देखेंगे एक मान लेते हैं कि कोई फर्म सेल करता है कोई बॉक्सेस ऑफ से फ्रूट्स, उसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा। अब इसमें परफेक्ट कंपटीशन में इसमें प्राइस क्या होगा, सेम होगा, मान लेते हैं कि हमारा प्राइस होगा 10 रुपया, सेम रहेगा हमेशा, तो अगर वो बॉक्स जीरो बॉक्स सेल करेगा तो उसका रेवेन्यू कितना होगा, जीरो। अगर वो पर प्राइस जैसे कि 10 पर बॉक्स, अब एक बॉक्स सेल करेंगे तो उसका रेवेन्यू कितना होगा 10, उसी तरह से 2 करेंगे तो 20, 3 करेंगे 30 और 4 करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इसमें हमें इस शेड्यूल में हमें दिखाया गया है कि टोटल रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा जब हम परफेक्ट कंपटीशन में होगा, जब प्राइस सेम होगा तो टोटल रेवेन्यू कर्व कैसे बनेगा, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, एक इस तरह के। इसमें हम जैसे कि रेवेन्यू इधर टोटल रेवेन्यू दिखाएंगे, इधर आउटपुट सोल्ड या क्वांटिटी सोल्ड इधर दिखाएंगे, ये कर्व टोटल रेवेन्यू का कर्व
सॉरी ये रेवेन्यू होगा और ये टोटल रेवेन्यू होगा। अब ये टोटल रेवेन्यू कब कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से, यहाँ देखिए जीरो से होगा तब रीडिंग कितना होगा जीरो, ठीक है। जब वन होगा मान लेते हैं या 10, 20, 30 लाइकवाइज, जब वन होगा तो 10 होगा, जब टू सोल्व करेंगे तो 20 होगा। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, इस तरह के कर्व होगा जो कि राइजिंग होगा, पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि मार्केट क्या होता है, मार्केट के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं, और मेनली आज हमने डिस्कस किया परफेक्ट कंपटीशन क्या है, उसमें उसके फीचर्स क्या हैं, और हमने उसके डिमांड कर्व के बारे में बताया, तो और उसके टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा बनता है उसके बारे में भी थोड़ा बताया। अब कल हम पढ़ेंगे कि इसमें, आज तो प्राइस डिटरमिनेशन हो गया, आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, उसको ग्राफ के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कल। थैंक यू जुलाई।